गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने 11th क्लास CBSE के 5th चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें तो लास्ट टॉपिक में हमने किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी भी प्लेन सरफेस पर जो मोशन होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, और उसके अलावा हमने कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक किसी फ्रिक्शन लेस पुली के अवर जो मोशन होता है उसके भी बारे में डिस्कस किया था। क्लियर? देखिए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज फ्रिक्शन। बच्चों फ्रिक्शन के बारे में आप थोड़ा नॉलेज पता है आपको, 9th क्लास में थोड़ा पढ़ा होगा, चैप्टर के नाम से था फ्रिक्शन। देखिएगा जब भी आप किसी बॉडी को रब करते हैं, ठीक है, या एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो उन दोनों की सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है जो उन दोनों के मोशन का अप्रोच करता है। आप डेली लाइफ में काफ़ी एग्जांपल देखते होंगे कि अगर आप बाइसिकल चला रहे हैं या बाइक वगैरह चला रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीड पर पहुँचने के बाद अगर आप एक्सीलेटर को बंद कर देते हैं यानी क्लिच ले लेते हैं और रेस को बंद कर देते हैं तो आप देखते हैं कि गाड़ी की स्पीड लगातार चलते चलते धीरे धीरे जाते हुए वो एक बिंदु पर जाके रुक जाएगी। इसी प्रकार अगर आप किसी गेंद को फेंकते हैं ग्राउंड में तो शुरू में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, धीरे धीरे जाते हुए उसकी स्पीड कम होती जाती है और डायरेक्ट लास्ट जाके वो रुक जाती है। यानी हमने किसी गेंद को या बाइसिकल को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से थ्रो किया है या पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो मूव कर रही है लेकिन वो उस अपनी स्पीड लगातार डिक्रीज करती जा रही है। देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है मोशन का, अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करें कि अगर एक स्पीड कोई भी बॉडी है वो एक स्पीड से लगातार चल रही है तो वो लगातार चलती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। क्लियर? यानी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर बॉडी कंटिन्यूस मूव में है वो कंटिन्यूस मूव में ही रहना चाहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो जब हम किसी गेंद को फेंक रहे हैं वो एक इस पर्टिकुलर स्पीड से लगातार चल रही है लेकिन फिर भी वो कुछ दूरी पर जाने के बाद उसकी स्पीड लगातार कम होती जाती है और वो कुछ दूरी पर जाने के बाद रुक जाती है। तो ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसे किस फैक्टर की वजह से उस ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को फेल कर रहा है। फर्स्ट लॉ तो क्या कह रहा है कि वस्तु अगर गतिशील है तो वो लगातार गतिशील ही रहेगी लेकिन ऐसा कौन सा फैक्टर है जो उस वस्तु की स्पीड को लगातार डिक्रीज कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन। क्लियर? तो फ्रिक्शन एक्चुअल में किसी भी बॉडी के मोशन का अपोज करता है, ध्यान रखना फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उनके सरफेस के बीच में एक फोर्स लगेगा जो उसके मोशन का अपोज करेगा और वो फोर्स ही क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। क्लियर? तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स that oppose of motion of any moving body यानी जो फ्रिक्शन है वो एक तरह का फोर्स होता है और वो किसी भी मूविंग बॉडी के मोशन का अपोज करता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अप्लाइड अपोजिट टू मोशन ऑफ द बॉडी। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा किधर लगता है, किसी भी मोशन बॉडी के अपोजिट में लगता है। जैसे कि
अगर ये किसी सरफेस है, ये कोई सरफेस है, यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है इस तरह से, देखिएगा अगर इस बॉडी का मास m है तो एक फोर्स है जो इसके डाउनवर्ड में लगेगा, दैट इज mg, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसका वेट, इसको क्या बोलेंगे, उसका वेट बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक फोर्स के लिए, एवरी फोर्स कंसिस्ट ए रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना। तो इसके लिए जो एक्शन फोर्स है, इसके लिए एक रिएक्शन फोर्स होगा, जिसको हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जो आर है वो तो क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स हो गया। ये बॉडी है, इसको अब इसे स्टेबलिश यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा हुआ है, यानी जितना फोर्स इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स क्या है, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। अगर इस बॉडी के ऊपर आप एक फोर्स लगाते हैं जो इसको इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करता है, ठीक है, आपने किसी भी फोर्स एफ से क्या किया, इसको पुल करना स्टार्ट किया, तो ये जो सरफेस है जिसके ऊपर ये बॉडी रखी हुई है, तो इस बॉडी के सरफेस और इस ग्राउंड के बीच में ये जो सरफेस है, यहाँ पर एक फोर्स एक्टिव होता है, ये फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, एंड दैट इज नोन एज ए फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। इसको हमने किससे लिखा है, एफ एस, यानी सरफेस के बीच में लगता है। तो समझ गए हमेशा कि जो ये जो फोर्स है ये कौन सा है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, तो और ये वाला फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, ये सरफेस हो गया और ये इसकी सरफेस होगी, ये रिएक्शन फोर्स है। अब देखिएगा मुझे, तो हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसका अपोज करता है, मोशन का अपोज करता है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस ऑब्जेक्ट को हम लगातार स्पीड से लगातार फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। एक लिमिट के बाद जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस अप्लाइड फोर्स से कम हो जाती है, उस केस में बॉडी क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करती है। मूव बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों फोर्स है ये एक दूसरे को बैलेंस कर रखता है, यानी ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, केवल हॉरिजॉन्टल या किसी भी लाइन के अलोंग बॉडी मूव करेगी, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स। अगर ये अप्लाइड फोर्स है, ये इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता है, उस केस में बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। अगर बच्चों बात करें फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स की डायमेंशन की और यूनिट की, तो फ्रिक्शन फोर्स भी एक फोर्स का ही टाइप है, जिसकी डायमेंशन और यूनिट भी सिंपल फोर्स की तरह न्यूटन, और या डायमेंशन की बात करें m1 l1 t-2 होती है, क्लियर। तो अब देखो टेंशन हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और फोर्स तीनों ही एक होते हैं, डायमेंशन भी तीनों की क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अगर हम बात करें बॉडी के अंदर, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स, अब चलो इसको दूसरे टॉपिक से बात करते हैं, समझ में आ गया होगा फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कि ये एक तरह का अपोजिंग फोर्स है जो किसी भी बॉडी के मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। तो जो इसको साथ साथ आपको नोट करना है, अपोज करके आप नोट कीजिएगा इसको, पहले समझ लेते हैं फिर इसको नोट करना, मैं साइड में हो जाऊंगा उसे। देखिएगा अगर हम बात करें फोर्स की, कौन से फ्रिक्शन फोर्स की, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ ए फ्रिक्शन फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके टाइप की बात करें, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स है वो दो तरह का होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, बच्चों दो टाइप का कौन सा होता है, एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, और सेकेंड नाम से पता होगा आप खुद बता सकते हैं, सेकेंड वाला क्या होगा, एक्सटर्नल
एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, यानी फ्रिक्शन फोर्स की नेचर की बात करें, टाइप की बात करें, तो कितने तरह का होता है वो? दो तरह का, एक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स और एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स। तो सबसे पहले जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं हम, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। देखिए बच्चों, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होता है कि किसी भी बॉडी के, अगर कोई भी बॉडी है वो लिक्विड स्टेट में है या गैसेस स्टेट में है, तो उनकी जो लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड और गैस, यानी ये जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है ये ध्यान रखना हमेशा किसके बीच में लगेगा, लिक्विड में या फिर गैसेस में। अब देखिएगा, इसी को हम एक आगे नाम पढ़ेंगे विस्कोसिटी, उससे भी बात करेंगे। विस्कोसिटी यानी विस्कस फोर्स भी एक टाइप का फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा लिक्विड या गैसेस जो मीडियम होते हैं उनकी लेयर के बीच में लगता है, ठीक है। यानी जब भी लिक्विड फ्लो होता है तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर क्या होती है? स्लाइड होती है, ठीक है ना, दूसरी होती है। तो ध्यान रखना इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स कभी हमेशा लेयर्स ऑफ लिक्विड या गैसेस के बीच में लगता है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड की, एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स बच्चों, जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा सॉलिड के बीच में लगता है, ठीक है ना। इट इज अप्लाइड बिटवीन सरफेस ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड बॉडीज, यानी जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज होती है। जैसे ये बॉडी है ए, ये किसी सरफेस पर बी पर मूव कर रही है, ठीक है ना। तो जब कोई भी बॉडी है एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर मूव करती है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? हमेशा एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर। अब देखिएगा, एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स के काफी टाइप है, थ्री टाइप है, उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन एक्चुअली क्यों लगता है किसी भी बॉडी के बीच, किसी भी दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्यों लगता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर ये कोई बॉडी रखी हुई है, क्लियर। अब जैसे आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के इसको मूव कराते हैं तो जो सरफेस होती है बॉडी की, किसी भी बॉडी की जो सरफेस होती है वो परफेक्टली प्लेन सरफेस नहीं होती है, ठीक है ना। यानी उनको परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इनके जो एटम्स होते हैं, दोनों सरफेस के एटम्स होते हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस वाले सरफेस के जो बॉटम में मोलिक्यूल है वो, और इस वाले सरफेस के जो अपर लेयर में मोलिक्यूल है वो एक दूसरे को इंटरमोलिकुलर फोर्स से क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स बिल्डअप हो जाता है। तो जैसे आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके बीच में सेटअप हुआ है उसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होता है किसी भी बॉडी के अंदर फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो समझिए कि फ्रिक्शन का मेन रीजन क्या होता है कि दो बॉडी होती है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं हो पाती है, ठीक है। तो परफेक्टली स्मूथ नहीं है उस केस में क्या होता है कि उनके जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। और वो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, फ्रिक्शन फोर्स के लिए, क्लियर। अब देखिएगा, अगर कोई भी दो बॉडी है, अगर वो
जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी, यानी उन बॉडी के बीच में जो लेयर्स जो कनेक्ट हैं आपस में, जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी वहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, कम होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड रफ सरफेस के लिए ज़्यादा होता है और जो स्मूथ सरफेस होती है उनके लिए फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता है। क्लियर? अब देखिएगा बच्चों, इसको नोट कर लिया होगा आपने पोज करके, एक बार इसको नोट कीजिए पूरा कंप्लीट पोज करके। अब हम एक्सटर्नल फोर्स के टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं उनके बारे में। देखिए बच्चों, अब हम एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करते हैं, इंटरनल फोर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहला है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दैट इज अप्लाइड बिटवीन द आउटर सरफेस ऑफ एनी टू बॉडीज। एक्सटर्नल टाइप की बात करें कि टाइप ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स, टाइप ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स, कि कोई भी दो बॉडी है उनके बीच में जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स होते हैं उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक, बच्चों जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है एंड ये ऑब्जेक्ट दैट मास इज एम प्लेस ऑन द दिस सरफेस, लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम। क्लियर? ड्यू टू दिस मास ए डाउनवर्ड फोर्स दैट इज नोन एज इट्स वेट mg अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इक्वल मैग्नीट्यूड पर इन अपोजिट डायरेक्शन ए रिएक्शन फोर्स आल्सो अप्लाइड ऑन दिस बॉडी दैट टेंड्स टू वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। क्लियर? नाउ इफ वी अप्लाइड एनी फोर्स, लेट अस कंसीडर वी अप्लाइड ए फोर्स p on this body, then a force between two layers, yeah, between layer of contact attract, that is known as a friction force, and it is also noted by Fs. Clear? So Fs, that is known as the static friction. Yani agar kisi body ko surface pe rakhi hui hai, theek hai na, to uska mg hai, usko kaun sa force बैलेंस करेगा, रिएक्शन फोर्स बैलेंस करेगा। क्लियर? जैसे हमने इसके ऊपर एक अप्लाइड फोर्स P लगाया है, उस P की वजह से जैसे हमने P लगाइए तो उसी टाइम क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ाएंगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है कौन सा, स्टैटिक फोर्स। ठीक है, उसके बारे में बात करें तो ए फोर्स The opposing force that
comes to play then any external force applied on body यानी ये कब जनरेट होता है जैसे हम उस बॉडी के ऊपर एक्शन फोर्स लगाएंगे उस टाइम कौन सा फोर्स जनरेट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ठीक है ध्यान रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ठीक है ना यहां पर इफ देयर इज नो अप्लाइड फोर्स देन स्टैटिक फ्रिक्शन will be zero यानी static friction तभी generate होता है जब हम उसके ऊपर कोई applied force लगाते हैं अगर applied force नहीं है उस केस में static friction भी क्या होता है zero होता है ठीक है ना और तीसरी property क्या होती है static friction की कि ये हमेशा applied force के क्या होता है equal ठीक है ना static force always equal to applied force ये हमेशा किसके इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है ठीक है ना और यानी जो P है वो किसके बराबर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन और ये कब तक एप्लीकेबल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन एप्लीकेबल व्हेन बॉडी एट रेस्ट यानी जब तक बॉडी रेस्ट पर है तब तक क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन एप्लीकेबल होता है अगर बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है उस टाइम में स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता तो बच्चों ये स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी है आप इनको नोट करेंगे पॉज करके नोट कीजिए सेकंड बच्चों बात करते हैं हम पहले तो कौन सा हो गया स्टैटिक हो गया सेकंड की बात करते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होगा अब देखिएगा हमने इस फोर्स को अप्लाई किया है अप्लाइड फोर्स को तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो रहा है इंक्रीज होता रहेगा ठीक है यानी यहाँ पर कुछ फोर्स है जो फ्रिक्शन फोर्स है ये फ्रिक्शन है अप्लाइड फोर्स के लगभग इक्वल है कंप्लीटली इक्वल है हमने जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया है तो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है बढ़ने लग जाता है लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स है वो दोनों क्या हो जाते हैं मैक्सिमम हो जाते हैं अगर जैसे ही आपने थोड़ा सा भी अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दिया उस केस में क्या होता है बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी देखिएगा जैसे कि कोई बॉडी रखी हुई है इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मान के 10 न्यूटन का है कितना है 10 न्यूटन आपने 5 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाया क्या ये बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी आपने
एक न्यूटन का अप्लाइड फोर्स किया तब भी ये बॉडी मूव नहीं करेगी, आपने 9 का अप्लाई किया तब भी ये बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब देखिएगा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी मैक्सिमम रेंज तक आपने अप्लाइड फोर्स लगा दिया, ठीक है। अगर इसके बाद आपने 10.1 न्यूटन फोर्स भी लगाया तो ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक बॉडी मूव नहीं करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स दैट इज मैक्सिमम फॉर विच बॉडी मूव स्टार्ट टू मूव, नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी बॉडी मैक्सिमम फोर्स है लेकिन अभी तक बॉडी मूव नहीं कर रही है, वो पीक पर पहुंच गई है। अगर उससे ज्यादा आपने थोड़ा भी फोर्स लगा दिया तो वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाएगी, ठीक है। थर्ड टाइप होता है वो कौन सा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन को ही हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स ड्यू टू विच बॉडी स्टार्ट टू मूव, नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिएगा ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन में और ना ही डायनेमिक एफर्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन में बॉडी मूव करती है, बॉडी केवल और केवल इसमें मूव करती है काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर, ठीक है। स्टैटिक में और लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर बॉडी रेस्ट पे रहती है। स्टैटिक की वो मैक्सिमम वैल्यू जहां जिसके बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी उसी को हम क्या बोलते हैं, उस पीक पॉइंट को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, यानी वो लास्ट लिमिट है, उससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगी, बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको साथ साथ नोट करना, अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।